मुंबई के एक बड़े अस्पताल में जान बचाने वाली एमआरआई मशीन जानलेवा बन गई। अपनी मां से मिलने पहुंचे एक शख्स के साथ हॉस्पिटल स्टाफ ने इतनी बड़ी लापरवाही को अंजाम दिया कि शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन और पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई तो की है, लेकिन अस्पताल में एमआरआई मशीन में मौत की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हॉस्पिटल के अंदर हंगामा मचा हुआ है। एक परिवार धरना देकर अस्पताल प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतर आया है और इसके पीछे की वजह ये है कि जिंदगी देने वाले अस्पताल ने इनके 32 साल के बेटे की जान ले ली है। अस्पताल स्टाफ की जानलेवा लापरवाही का शिकार हुए शख्स का नाम है राजेश मारू। राजेश मारू मुंबई के नामी नायर अस्पताल में अपने एक रिश्तेदार को देखने के लिए गए थे, लेकिन एक वार्ड बॉय की लापरवाही ने राजेश मारू को तड़पा तड़पा कर मार डाला। दरअसल राजेश मारू नाम के एक शख्स की मौत एमआरआई मशीन में फंसने की वजह से हो गई। ये एक बड़ा मामला है, एक बड़ी लापरवाही है। यही वजह है कि पुलिस ने अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। जाहिर सी बात है, वार्ड बॉय के कहने पर जो है राजेश मारू सिलेंडर अंदर लेकर गए थे, ऐसे में वार्ड बॉय की गिरफ्तारी भी संभव है। बड़े अस्पताल में जिंदगी पर भारी लापरवाही की वजह जानेंगे तो आप भी सन्न रह जाएंगे। जानकारी के मुताबिक हॉस्पिटल के वार्ड बॉय ने राजेश को एमआरआई रूम में ऑक्सीजन सिलेंडर लाने को कहा। एमआरआई रूम में मेटल का सामान ले जाना मना होता है, इसलिए परिवार ने इसका विरोध भी किया, लेकिन वार्ड बॉय ने एमआरआई मशीन बंद होने की बात कही और सिलेंडर अंदर ले जाने को कहा। राजेश सिलेंडर लेकर जैसे ही अंदर गए, एमआरआई मशीन के शक्तिशाली मैग्नेट ने ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ राजेश को अंदर खींच लिया। राजेश एमआरआई मशीन के अंदर फंस गए। उसी वक्त ऑक्सीजन का सिलेंडर खुल गया। राजेश के मुंह के जरिए पूरे शरीर में ऑक्सीजन भर गया और उनका शरीर गुब्बारे की तरह फूल गया। मैग्नेट हमेशा जीवित है, हमेशा ऑन है। सिलेंडर और मैग्नेट के बीच में कहीं खड़े होंगे और मैग्नेट को सिलेंडर को जैसे ही खींचा गया अंदर मैग्नेट ने, तो उसके साथ ही उन्होंने रिश्तेदार को भी खींच लिया। काफी देर तक राजेश एमआरआई मशीन के अंदर छटपटाते रहे। जब तक किसी ने उन्हें देखा तब तक काफी देर हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से खींचकर राजेश को बाहर निकाला गया। उन्हें तुरंत ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, लेकिन चंद मिनटों में ही राजेश मारू की मौत हो गई। रात को जो भी हुआ है वो निग्लिजेंस की वजह से हुआ है, नायर हॉस्पिटल की वजह से। और उसके घर में कमाने वाला और कोई नहीं है, छोटा लड़का, मतलब उसकी शादी भी नहीं हुई थी और आया था किसी की हेल्प करने के लिए, और इन लोग ने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देने की वजह से उसके साथ ये एक्सीडेंट हुआ है। यही वो एमआरआई रूम है जहां हादसा हुआ। घटना के बाद रूम के बाहर ताला जड़ दिया गया। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन परिवार का कहना है कि अस्पताल प्रशासन उन्हें कुछ भी साफ साफ नहीं बता रहा है। निग्लिजेंस के अगेंस्ट रजिस्टर किए गए केस नायर हॉस्पिटल के 4304A का इन्वेस्टिगेशन चालू है। म्यूनिसिपल अथॉरिटी इसके बारे में इंक्वायरी की ऑर्डर देके कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती तब तक हम लोग हॉस्पिटल की जगह नहीं छोड़ेंगे। खबरों के मुताबिक मामले में पुलिस ने अस्पताल के डॉक्टर सौरभ लांजेकर के साथ आरोपी वार्ड बॉय और एक महिला वार्ड कर्मचारी के खिलाफ धारा 304 के तहत एफआईआर दर्ज की है। इसके साथ ही मृतक को ऑक्सीजन सिलेंडर देने वाले वार्ड बॉय को भी सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतक के परिवार को 5,00,000 रुपए के मुआवजे देने की घोषणा की है। अस्पताल प्रशासन की ओर से घटना का CCTV फुटेज पुलिस को सौंप दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। राजीव सिंह के साथ अश्वनी कुमार पांडे, इंडिया TV, मुंबई। जिस एमआरआई मशीन में शख्स की मौत हुई वो मशीन महंगी लेकिन मेडिकल साइंस की कारगर तकनीकों में से एक है। आइए आपको बताते हैं क्या है एमआरआई मशीन और किस तरह की लापरवाही ने एक इंसान की जान ले ली। मुंबई के नामी अस्पताल में मर्ज ढूंढने वाली एमआरआई मशीन मौत की मशीन बन गई। एक बड़ी भूल की वजह से एक हंसता खेलता इंसान तस्वीरों में सिमट कर रह गया और ये जानलेवा लापरवाही और हादसा अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। सवाल नंबर एक, वार्ड बॉय ने मरीज के परिजनों को सिलेंडर ले जाने को क्यों कहा? सवाल नंबर दो, एमआरआई रूम में मेटल का सामान ले जाना मना होता है, फिर राजेश को सिलेंडर ले जाने के लिए क्यों कहा गया? सवाल नंबर तीन, एमआरआई रूम के बाहर कोई डॉक्टर या टेक्नीशियन क्यों मौजूद नहीं था? सवाल नंबर चार, एमआरआई मशीन ऑन थी फिर राजेश को क्यों कहा गया कि मशीन बंद है? विशेषज्ञों की माने तो एमआरआई मशीन में लगा चुंबक इतना शक्तिशाली होता है कि वो क्रेडिट कार्ड के अंदर लगी आयरन पट्टी तक को खींच सकता है।
एमआरआई का सिंपल प्रोसीजर है, इसमें सिर्फ एक प्रिकॉशन जो हमें लेनी होती है कि कोई मेटल की चीज, स्पेशली लोहे की चीज अंदर नहीं जाए। सो मरीज के जितने भी मेटल की चीजें हैं वो निकलवा लेते हैं, क्रेडिट कार्ड्स निकलवा लेते हैं क्योंकि उनमें भी मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, वो क्रेडिट कार्ड नहीं तो खराब हो जाते हैं, घड़ियां उतार लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजें उतार लेते हैं। एमआरआई का मतलब है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई मशीन में बेहद शक्तिशाली चुंबक लगे होते हैं। एमआरआई मशीन के रूम में शक्तिशाली रेडियो तरंगे होती हैं। एक्सरे के मुकाबले एमआरआई शरीर की बारीक परतों की तस्वीरें खींच सकता है। एमआरआई की तस्वीरें रेडियो तरंगों की मदद से बनाई जाती हैं। एमआरआई महंगी लेकिन कारगर तकनीकों में से एक है। एमआरआई मशीन में मरीज को जांच के लिए भेजने से पहले डॉक्टर इस बात की भी जांच करते हैं कि मरीज के शरीर में किसी तरह के ऑपरेशन के बाद लोहे की कोई चीज फिट तो नहीं है, क्योंकि एमआरआई मशीन का मैग्नेटिक फोर्स शरीर के उस हिस्से को भी बर्बाद कर सकता है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि किसी के कोई बॉडी में, किसी का हिप ट्रांसप्लांट, कोई नी ट्रांसप्लांट, वो जॉइंट्स तो नहीं लगे हुए, उनके साथ भी सेफली एमआरआई किया जा सकता है। एक हार्ट का पेसमेकर जो है वो एक ऐसी वस्तु है जिसके साथ मरीज का एमआरआई नहीं किया जा सकता, अनलेस कि वो एमआर कंपैटिबल पेसमेकर है, वो भी आ गए हैं। जरा सोचिए, जिस मशीन में इंसान को पूरी तरह अंदर डालकर उसकी जांच की जाती हो, जिस मशीन के कमरे के बाहर से लेकर अंदर तक रेडियो एक्टिव का संकेत और सावधानी का बोर्ड लगा होता है, वहां किसी शख्स को कई किलो भारी लोहे का ऑक्सीजन से भरा सिलेंडर ले जाने के लिए क्यों कहा गया? ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाली बात है। राजीव सिंह के साथ अश्विनी कुमार पांडे, इंडिया टीवी, मुंबई।